नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सत्ता का सेमीफाइनल में। लगातार एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए, अब क्योंकि लगातार जिस तरह से एक एक राज्य, पांच राज्यों में अहम परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान को लेकर वो हमने तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन आज तक एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर क्या कह रहा है, चलिए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के संकेत यहां पर दे रहा है आज तक एक्सिस माय इंडिया। ये प्रचंड बहुमत बीजेपी को दे रहा है मध्य प्रदेश में, इसके संकेत दे रहा है, जहां बीजेपी को यहां 140 से 162 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को वहीं 68 से 90 सीट मिलने के यहां पर संकेत इस एग्जिट पोल में है। वहीं अन्य के खाते में यहां पर जा सकते हैं 0 से 3 सीट। ये मध्य प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल है आज तक एक्सिस माय इंडिया का। ये एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के संकेत यहां पर दे रहा है। बीजेपी को जहां 140 से 162 सीट मिलने का अनुमान मध्य प्रदेश में है, तो वही कांग्रेस को एमपी में 68 से 90 सीट मिलने के संकेत यहां पर दे रहा है। तो अन्य के खाते में 0 से 3 सीट यहां जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बनाती नजर आ रही, इस बार भी अगर एग्जिट पोल के मुताबिक बात करें तो एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत। हालांकि इसके आंकड़े क्या कुछ सही साबित होते हैं ये 3 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्सिस माय इंडिया का ये एग्जिट पोल जो कहता है कि बहुमत बीजेपी को एमपी में मिल रही है। अब देखिए, अहम राज्य राजस्थान है, और चलिए वर्चुअल एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर एग्जिट पोल राजस्थान को लेकर क्या कह रहे हैं। हालांकि 3 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी कि किसके एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के करीब है, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं जन की बात से। जन की बात जो कि बीजेपी को 100 से 122 सीट यहां पर दे रहा है, कांग्रेस को दे रहा है ये 62 से 85 सीटें, तो वही अन्य के खाते में यहां नजर आ रही है 14 से 15 सीटें जाती हुई। ये जन की बात का एग्जिट पोल है। तो इधर TV9 भारतवर्ष पर भी नजर डाल लेते हैं। TV9 भारतवर्ष जो कि बीजेपी को 100 से 110 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है, वही एग्जिट पोल कांग्रेस को दे रहा है 90 से 100 सीटें। इधर अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये TV9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल है। तो जन की बात क्या कुछ कह रहा है ये आंकड़े, इन दोनों एग्जिट पोल पर नजर डाला जाए तो लगभग कुछ ऊपर नीचे आंकड़े नजर आते हैं, लेकिन लगभग एक ही बात ये कह रहे हैं। अब देखिए PMRQ पर नजर डाल दें, यहां पर बीजेपी को 105 से 125 तक के आंकड़े यहां पर दे रहे हैं, यानी कि 105 से 125 सीटें बीजेपी को दे रहा है ये एग्जिट पोल। तो कांग्रेस को वही 69 से 81 सीटें, और अन्य के खाते में देखिए यहां पर भी नजर आ रही 5 से 15 सीटें, यानी ये अन्य हो सकते दूसरी पार्टी निर्दलीय, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के आंकड़े ये बता रहे हैं। इधर अगर नवभारत टाइम्स पर नजर डालें तो नवभारत टाइम्स जो बीजेपी को सीधे सीधे 108 से 128 तक की सीटें दे रहा है, यानी कि बहुमत यहां पर बीजेपी को, और वो भी अंक भी बहुत ज्यादा 128 तक पहुंचा रहा है, ये एग्जिट पोल है नवभारत टाइम्स के। इधर कांग्रेस की बात करें यहां पर 56 से 72 सीटें यहां पर नवभारत टाइम्स दे रहा है, तो वही अन्य 13 से 21 यहां पर, यानी निर्दलीय और दूसरी पार्टियां हैं मैदान में, जो बागियों के मैदान में है उनकी जीत हार यहां पर अन्य पर तय करेगी, लेकिन बीजेपी को नवभारत टाइम्स जो आंकड़े दे रहा है वो 128 तक है। इधर चलिए एक्सिस माय इंडिया पर नजर डाल लेते हैं। 80 से 100 बीजेपी को, और यहां पर कांग्रेस को ये बढ़त दे रहा है, यानी कि ये पहला एग्जिट पोल जो कह रहा है कि कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, वही बीजेपी को 80 से 100 सीटें, और अन्य के खाते में 9 से 18 सीटें, यानी वही जो जिस तरह से चर्चा में भी था कि 40 से 50 सीटें ऐसी जिसमें कुछ भी निर्णय हो सकता है, कुछ भी फैसला हो सकता है, और वो किसके खाते में जाती है शायद ये भी वजह हो सकती है कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त दिखाते नजर आ रहे एक्सिस माय इंडिया। लेकिन दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 98 से 105 सीटें तक मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में यहां 85 से 95 सीटें, तो वही अन्य के खाते में यहां नजर आ रहा है 10 से 15 सीटें जाती हुई, ये दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है। तो एक्सिस माय इंडिया और दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर भी कह रहा है कि यहां पर 98 से 105 यानी बढ़त बीजेपी को, लेकिन एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 80 से 100 बीजेपी, लेकिन 86 से 106 तक का आंकड़ा, यानी 106 तक की सीट कांग्रेस के लिए। अब चलिए हम एबीपी सी वोटर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले 94 से 114 बीजेपी को सीटें देता हुआ नजर आ रहा है ये एग्जिट पोल। 71 से 91 है कांग्रेस के लिए, तो 9 से 19 अन्य के खाते में। इधर इंडिया टीवी CNX क्या कहता है, देखिए इसका एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 80 से 90 सीटें, 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा रहा है, 80 से 90 कह रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटें, और अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये इंडिया टीवी CNX का एग्जिट पोल है। तो एबीपी सी वोटर भी बीजेपी को बढ़त दे रहा है, लेकिन
यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया टीवी में, और ऐसे ही एक्सिस आज तक का जो एग्जिट पोल है वो भी कांग्रेस को यहां पर बढ़त दे रहा है, लेकिन बाकी सभी कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए महा एग्जिट पोल है जहां पर अलग अलग एग्जिट पोल्स, सबके अपने अपने सर्वे, सबके अपने अपने दावे, लेकिन एग्जैक्ट पोल यानी एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा 3 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी, और तब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो परिणाम एक्चुअल में आते हैं, जो हकीकत होंगे परिणाम, वो किस एग्जिट पोल के इर्द गिर्द नजर आते हैं, यानी किसका दावा, किसका अनुमान सबसे सही नजर आता है।